अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम हसन मायो क्रेशी एंड यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल हसन मायो ब्लॉग। इस टाइम मैं मौजूद हूँ ऑरेंज कंप्यूटर पे और मेरे साथ जो है जिशान भाई मौजूद है। बड़े लोगों के जो है वो कमेंट्स आ रहे थे कि गेमिंग पीसी पे वीडियो बनाएं, गेमिंग पीसी पे वीडियो बनाएं। तो आज जनाब हम आपके लिए ले आए हैं सस्ते तरीन गेमिंग पीसी, वन बाय वन जो है वो आपको जो है इनके रिव्यू देते हैं। ये भी लगा हुआ है, ये भी लगा हुआ है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी पड़ा है। इसके अलावा दूसरी साइड पे भी जो है वो बड़े कंप्यूटर जो है उनके पड़े हैं गेमिंग पीसी। तो सारी उनकी जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, इनका रेट, इनकी स्पेसिफिकेशन। इसके अलावा कुछ इनके पास जो है वो किट्स भी अवेलेबल हैं, ये जो इनके अंदर लग जाते हैं बोर्ड वगैरह, ये है। इसके अलावा जो है वो ये बोर्ड हैं, ये सारे इनके पास अवेलेबल हैं। आपको जो है इनकी सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ये कैसे जो है वो लगते हैं, क्या क्या इनके अंदर स्पेसिफिकेशन होती है, और आप जो है ये घर बैठे कैसे मंगवा सकते हैं। गेमिंग पीसी जितने भी जो हैं वो अच्छे जो हैं वो इनसे आपको मिल सकते हैं। वन बाई वन जो है वो आपको सारे दिखाते हैं, उनका रेट, इनकी स्पेसिफिकेशन, हर चीज़ आपके साथ शेयर करते हैं। चलते हैं जिशान भाई की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। सर जी, बात यह है कि हमारी ऑडियंस जो है वो बहुत ज्यादा जो है गेमिंग पीसी को पसंद करती है। आपने मुनासिब कीमत के अंदर अच्छे जो गेमिंग पीसी है वो दिखाने हमें, आपके पास कौन कौन से अवेलेबल है पहले ये बताइएगा। जी जैसे आप देखना सामने डिस्प्ले में ये लगे हुए हैं RGB लाइट्स वाले। अक्सर का ये कस्टमर का जो रुझान होता है ना, वो कहते हैं हमें खाली बॉडी भी मिल जाएगी। सही है। और बॉडी का मुख्तलिफ रेट है, बॉडी तकरीबन 8000-9000 से लेके इस टाइम हमारे पास 25000 रुपए तक बॉडियाँ पड़ी हैं। इसमें मुख्तलिफ रेट है, जैसे कि भी मैं आपको ये गाइड कर दूं। आप बाद कस्टमर की रेंज है कि फर्स्ट जनरेशन से लेके 7-8 जनरेशन तक हमारे पास बोर्ड भी अवेलेबल हैं। ठीक है, ये MS है, ये ASUS का बोर्ड है, ये GigaByte का बोर्ड है 4th जनरेशन 3rd जनरेशन के अंदर, और ये ASUS का बोर्ड है। ठीक है, ये मुख्तलिफ बोर्ड है इसके अंदर। तो ये आपको जैसे ये पड़ा हुआ है यानी कि ASUS ATI MSI सारे बोर्ड पड़े हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 7 जनरेशन तक हमारे पास हर चीज़ इसमें अवेलेबल है। तकरीबन अगर हम स्टार्ट करना चाहते हैं ना लो लेवल में से, तो लो लेवल में अगर हम स्टार्ट करें तो इसमें तकरीबन जो स्टार्टिंग हो जाती है हमारी, तकरीबन समझ लें इस बॉडी के अंदर 30000 से स्टार्टिंग से, उसमें हमने ग्राफिक कार्ड भी शामिल नहीं किया, 35000 से ये स्टार्टिंग हो जाएगा बड़ी केसिंग के अंदर। अगर हम इसको छोटी केसिंग के अंदर अवेलेबल करें, जैसे छोटे साइज में पड़ी हुई है, तो इसमें आपका 25 से 30000 से स्टार्टिंग हो जाएगी। मुकम्मल गेमिंग सिस्टम जिसमें हार्ड रैम वगैरह हर चीज़ शामिल हो जाएगी। सही है, इसमें ग्राफिक कार्ड नहीं होगा। इसमें जो छोटे से स्टार्टिंग करेंगे इसमें 1GB ग्राफिक कार्ड 25000 से इसमें स्टार्टिंग कर देंगे, हो जाएगा 1GB। जो आजकल की रेगुलर गेम में छोटे बच्चे खेलते हैं GTA 5, कॉल ऑफ ड्यूटी, टेकन वगैरह, वो सब कुछ इसमें अवेलेबल मुहैया है। सही है। अच्छा, इसके अंदर अगर हम इसी बॉडी को ले लेते हैं और इस बॉडी के अंदर जो है हम लोग 2GB का जो है वो ग्राफिक कार्ड लगाते हैं, इसके अलावा जो है 1TB की हार्ड लगा लेते हैं, तो ये सिस्टम इसके अलावा LED कोई अच्छी या LCD कोई अच्छी लगा लेते हैं, तो ये कितने में एक सेटअप बन जाएगा पूरा? तकरीबन अगर हम ये अगर स्टार्टिंग कर लेते हैं, अगर जैसे मैंने आपको बताया ना कि 1GB कार्ड के साथ ये 25000 में स्टार्ट होता है खाली CPU, इसके साथ हम 19 इंच जोड़ लेते हैं, उसके साथ तकरीबन ये मुकम्मल सिस्टम बना 35 तक आपका मुकम्मल अच्छा गेमिंग सेटअप, कीबोर्ड, माउस वगैरह अच्छी तैयार हो जाएगी, अच्छी तैयार हो जाएगी। कितने तक? 35 तक आपका मुकम्मल गेमिंग सिस्टम RGB में। 35000 तक? हाँ जी, 35000 तक। सही है। अब इसी को जो ये बॉडी है इसके अंदर मुझे बता दें ये लोअर जो है वो कितने तक तैयार हो जाएगी? इसमें जैसे उसमें हमने लगाया था i3 सेकंड, इसमें अब आपका i5 भी हो जाएगा, i5 7 भी हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा, सारा वो मुख्तलिफ कैटेगरी के ऊपर मुख्तलिफ रेट होगा। तकरीबन मैक्सिमम अगर कस्टमर लेना चाह रहे ना, तकरीबन हम खाली CPU की बात करते हैं, ये आपका 25-30000 से लेके वो 1-1.5 लाख जितनी आपकी डिमांड होगी। जैसे आपने कार्ड अगर आपने 1GB से लेके 8GB तक हमारे पास अवेलेबल है, तो उस हिसाब से जितने में आप तैयार करना चाहते हैं 40, 50, 60, 70, 80 सब में तैयार हो जाएगा ये। सही है, सब में तैयार हो जाएगा, क्योंकि इसमें अक्सर का मॉडल इतने ज़्यादा हैं कि हम हर मॉडल के रेट शो नहीं कर सकते। अब इसमें ऐसे 2GB 4GB 8GB कार्ड है, कार्ड भी यानी कि हमारे पास जैसे आपको मैंने डिटेल दी है, इसमें जो लग जाएगा तकरीबन 2000-2500 से लेके 40000 तक कार्ड इसमें अवेलेबल आराम से मिल जाएगा। लग जाएगा। सही है। इसका मतलब हैवी सिस्टम अगर बनवाना हो तो ये अवेलेबल है। ये तकरीबन अगर हम बड़ी मशीन तैयार करते हैं ना तो 90 लाख में तैयार हो जाएगी। तकरीबन इसमें हम i7 6th जनरेशन तैयार कर देंगे, 8GB कार्ड लगा देंगे, 16GB RAM SSD और प्लस 1TB के साथ, और इसमें सप्लाई भी आपको अच्छी अवेलेबल हो जाएगी 500-600 वाट की। कितने का बनेगा फिर ये? तकरीबन 90 से 1 लाख रुपए में बन जाएगा 8GB 7th जनरेशन के अंदर, 90 से 1 लाख तक। हाँ जी बिल्कुल। इसी तरह अगर इसकी तरफ आ जाए, इस हवाले से बताइएगा। इसमें जैसे कि मैं आपको पहले भी शो करा रहा हूँ, अब इसमें अगर हम तैयार करते हैं i5 4th जनरेशन में,
तो तकरीबन हमारा ये बगैर कार्ड के i5 4th gen SSD लगा के, SSD मस्ट लगा रहा है क्योंकि उसमें कस्टमर को स्पीड अच्छी मिल जाती है। तकरीबन ये हमारा तकरीबन 35 से 40 हज़ार रुपये में खाली CPU बगैर कार्ड के तैयार हो रहा है। बगैर कार्ड के सही, इतनी गेम में आ चुकी है नहीं कि बाज को रिक्वायरमेंट 2 GB की है, 4 GB की है, 8 GB की है, जिस हिसाब से कस्टमर की जरूरत होगी उस हिसाब से तैयार हो जाएगा। सही है। इसके बाद ये वाला जो पड़ा है मजीद ये सबसे हम इसको लो लेवल पे कर लेते हैं, इसमें हम i5 3rd या i5 2nd लगा देंगे। तकरीबन ये खाली आपके यानी कि सिस्टम जो तैयार हो जाएगा 30 तक तैयार हो जाएगा, 30,000 तक। सही है, तैयार हो जाएगा। इसके अलावा कुछ ये पड़ी है इसके हवाले से भी बताइएगा। इसमें अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ खाली बॉडी भी अवेलेबल हो जाएगी, सारी जनरेशन तक अवेलेबल हो जाएगा। बस कितने तक बन जाएगा? तकरीबन ये स्टार्टिंग हो जाएगी 30, 40, 50, 60 जैसे मैंने आपको बताया ना कि यानी कि 30,000 से स्टार्टिंग होगा और 1 लाख तक 1.5 लाख तक जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है पूरी हो जाएगी। मजीद हम बड़े कार्ड जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है जैसे 12 GB हो गया, 16 GB हो गया, वो ऑन डिमांड ऑर्डर पे अवेलेबल हो सकता है। सही है। इसके अंदर कोई डिस्काउंट वगैरह देंगे आप? जी जी, जो आपके चैनल आपकी रेफरेंस रहेगा उस भाई को हम मजीद यानी कि सिस्टम के अंदर एक तो डिलीवरी भी फ्री दे देंगे और 1000 बाइक को डिस्काउंट भी मिलेगा जो बाइक के रेफरेंस आएगा। जी नाजिन, आपने जो जिशान भाई की बात सुनी, अगर आप इनमें से कोई भी गेमिंग पीसी तैयार करवाना चाह रहे हैं मजे वाला, तो आप इनसे जो है वो रब्ता कर सकते हैं। इनका कॉन्टेक्ट नंबर जो है वो स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप घर बैठे भी ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इनकी शॉप पे विजिट करना चाहें, क्योंकि ये 1 लाख 1.5 लाख तक आप बना सकते हैं, तो ज्यादा बेहतर यही है कि आप इनकी शॉप पे विजिट करें, इनसे बैठें, इनसे मशवरा लें, ताकि ये जो है आपको अच्छा जो है वो एक मशवरा दें और अच्छी डिवाइस जो है वो आपको अच्छा सिस्टम आपको बना के दें। तो अगर आप इनको मिलना चाहते हैं तो ये जो है आपको मिलेंगे सरगोधा ट्रस्ट प्लाजा में, ऑरेंज कंप्यूटर्स के नाम से इनकी ग्राउंड फ्लोर पर शॉप है, आप यहाँ आके जो है विजिट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये ऑनलाइन मंगवाना चाहें तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप इनसे व्हाट्सएप पर रब्ता करके ये ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।